दोस्तों, आपने इजराइल के बारे में बहुत सुना होगा। आज विश्व में अपनी खास पहचान बनाने वाला देश कैसे बना, इस सीरीज आज हम बात करेंगे। इजराइल की एक कौम के ऊपर 2000 साल तक बेशुमार अत्याचार हुए, एक कलंक जो इस कौम के लिए श्राप बन गया और सदियों तक उसका नरसंहार होता रहा। ना तो उसके पास रहने का ठिकाना बचा, ना ही आजादी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। इसी का नतीजा है कि आज उसके पास अपना देश है और वो इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अब दुनिया भी उसका लोहा मानती है। ये कौम कौन सी है और हम किस देश की बात कर हैं? तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। यीशु के जन्म से 1000 साल पहले दुनिया में धर्म के 2 केंद्र थे। पहला हिंदुस्तान, जहां सनातन धर्म की जड़ें मजबूत हो चुकी थी, और दूसरा मिडिल ईस्ट, जहां हजरत अब्राहम 3 धर्मों के पैगंबर कहलाने की ओर अग्रेसर थे। हजरत अब्राहम को यहूदी, ईसाई और इस्लाम में शुरुआती पैगंबर होने का दर्जा हासिल है। तीनों धर्मों के मुख्य पूर्वज अब्राहम बने, जिनका जिक्र धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजाक। एक बार ईश्वर ने अब्राहम से उनके बेटे इजाक की बलि मांगी। बलि देने के लिए अब्राहम ईश्वर की बताई जगह पर पहुंचे। यहां अब्राहम इजाक को बलि चढ़ाने ही वाले थे कि ईश्वर ने एक फरिश्ता भेज दिया। अब्राहम ने देखा फरिश्ते के पास एक भेड़ खड़ी है। ईश्वर ने अब्राहम की भक्ति, उनकी श्रद्धा पर मोहर लगाते हुए इजाक को बख्श दिया, उनकी जगह बलि देने के लिए भेड़ को भेजा। यहूदियों के मुताबिक बलिदान की वो घटना जेरूसलम में हुई थी। अब्राहम के वंश में इजराइल का जन्म हुआ, जो उनके पोते थे। इजराइल ने 12 कबीलों को मिलाकर इजराइल का गठन किया। इजराइल के एक बेटे का नाम जूदा या यहूदा था, जिनकी वजह से इस धर्म को जू या यहूदी नाम मिला। हजरत अब्राहम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। हजरत मूसा ही यहूदी जाति के प्रमुख व्यवस्थाकार है। हजरत मूसा को ही पहले से चली आ रही एक परंपरा को स्थापित करने के कारण यहूदी धर्म का संस्थापक माना जाता है। हजरत मूसा के बाद यहूदियों को विश्वास है कि कयामत के समय हमारा अगला पैगंबर आएगा। मूसा मिस्र के फराओ के जमाने में हुए थे। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्मग्रंथ का नाम तंक है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। यहूदियों के इतिहास पर नजर डालें तो इसका सही सटीक इतिहास ईसा से करीब 1000 साल पूर्व किंग डेविड के समय से मिलता है। डेविड को इस्लाम में दाऊद के नाम से संबोधित किया गया है। किंग डेविड ने यूनाइटेड इजराइल पर शासन किया। डेविड के बेटे हुए किंग सोलोमन, जो इस्लाम में सुलेमान हुए। किंग सोलोमन ने करीब 1000 BC में यहां एक भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी इसे फर्स्ट टेम्पल कहते हैं। यहां भगवान यहोवा की पूजा होती थी। किंग सोलोमन की मौत के बाद यहूदी बिखर गए और फिर सदियों तक एक छत नसीब नहीं हुई। ईसा पूर्व 931 में यूनाइटेड इजराइल में सिविल वॉर हुआ और ये इलाका उत्तर में इजराइल किंगडम और दक्षिण में जूदा किंगडम में बन गया। यहीं से इजराइल के पतन की कहानी शुरू होती है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती होनी बाकी थी, जिसने आने वाले 2000 साल तक यहूदियों का पीछा नहीं छोड़ा। इजराइल के बंटवारे के बाद वहां बेबीलोन साम्राज्य का कब्जा हुआ, जो इराक के राजा थे। ईसा पूर्व 587 में बेबीलोन ने यरूशलम में किंग सोलोमन के बनाए यहूदियों के पहले मंदिर को ध्वस्त कर दिया। तकरीबन 5 सदी बाद 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने दोबारा इसी जगह पर एक और मंदिर बनाया। वो मंदिर कहलाया सेकंड टेम्पल। इस मंदिर के अंदरूनी हिस्से को यहूदी कहते थे होली ऑफ होलीज, ऐसी जगह जहां आम यहूदियों को भी पांव रखने की इजाजत नहीं थी। केवल श्रेष्ठ पुजारी ही इसमें प्रवेश पाते थे। उस दौर में यहूदी कुछ संभले और इनकी आबादी भी लाखों में पहुंच चुकी थी। यहूदियों ने शिक्षा और व्यापार के जरिए खुद को मजबूत बनाए रखा। ईसा पूर्व साल 332 में इजराइल की धरती पर सिकंदर ने कदम रखे और उसकी मौत तक वो राजा रहा। सिकंदर की मौत के बाद ईसा पूर्व 63 में रोमन्स ने यहूदियों की जमीन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान ईसा मसीह के जन्म के साथ ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह एक यहूदी थे, लेकिन वो अपनी अलग विचारधारा लेकर आए। ईसा ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा। कई यहूदी उनके शिष्य बनने लगे और ईसाई धर्म की नींव पड़ी। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जो रोमन और यहूदी दोनों को पसंद न आया। बस यहीं पर यहूदियों से वो गलती हो गई, जिसकी भरपाई अगले 2000 साल तक करनी पड़ी। कहा जाता है कि यहूदियों ने ही रोमन गवर्नर पिलातुस को भड़काया और पिलातुस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मारने का आदेश दिया। यीशु की मौत में जिम्मेदार होने का कलंक यहूदियों के साथ चस्पा हो गया कि ये श्राप बन गया। इसके बाद तो कई सदियों तक यहूदियों का नरसंहार हुआ। ईसा मसीह की मौत के करीब 37 साल बाद यहूदियों ने रोमन साम्राज्य के खिलाफ बगावत कर दी। बदले में रोमन सेनाओं ने यरूशलम को तबाह कर दिया। इस दौरान एक ही दिन में करीब 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। सेकंड टेम्पल भी नेस्तनाबूद कर दिया।
यरूशलम के तबाह होने के बाद यहूदियों ने इजराइल से भागकर दुनिया के दूसरे मुल्कों में शरण ली। वो यूरोप, अफ्रीका, अरब और एशिया तक में फैल गए, पर उनका कत्लेआम तब भी नहीं रुका। ईसा 300 में बहुत बड़ा टर्निंग प्वाइंट आया। कॉन्स्टेंटिन द ग्रेट, जो कि एक रोमन राजा था, उसने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। वो पहला रोमन बादशाह हुआ जिसने ईसाई धर्म को चुना। अब रोमन और ईसाई एक हो चुके थे, जबकि यहूदी बिल्कुल अकेले पड़ गए। यहूदियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। वो गुलाम नहीं रख सकते थे, बाहर शादी नहीं कर सकते थे, अपने धार्मिक स्थल नहीं बना सकते थे। अगले 500 सालों तक ईसाई ही यहूदियों के दुश्मन रहे। ईस्वी 570 में मक्का में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। ईस्वी 622 में वो मक्का से मदीना गए। मदीना में तब अरबी कबीलों के अलावा ज्यादा आबादी यहूदियों की थी, और 3 मुख्य कबीले यहूदियों के पास थे। यहाँ पर इस्लाम और यहूदियों के बीच संधि हुई कि जब हमला होगा तो मुसलमान और यहूदी मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। यहूदियों पर आरोप लगाए जाते हैं, कई बार उन्होंने दुश्मनों का साथ दिया और पैगंबर मोहम्मद के साथ धोखा किया। यहीं से यहूदियों और इस्लाम के बीच अविश्वास और दुश्मनी की नींव पड़ी, जो आज भी बदस्तूर जारी है। इस्लामिक पीरियड से एक धार्मिक मान्यता भी जुड़ी है। कुरान के मुताबिक सन 621 के एक रात की बात है, पैगंबर मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए। यहीं से वो ऊपर जन्नत में चढ़े। यहाँ उन्हें अल्लाह से कुछ आदेश मिले। इन आदेशों में इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया था। सन 632 में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। इसके 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। तब यहाँ बेजेंटाइन साम्राज्य का शासन था। मुस्लिमों ने जेरूसलम को जीत लिया। आगे चलकर उम्मयद खलीफाओं ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाई। इसका नाम रखा अल अक्सा। इसी अल अक्सा मस्जिद के सामने की तरफ है एक सुनहरे गुंबद वाली इस्लामिक इमारत। इसे कहते हैं डोम ऑफ द रॉक। इस्लामिक पीरियड के बाद आरंभ हुआ क्रूसेडर का क्रूर कालखंड। इस दौरान ईसा मसीह को मारने में जो भी कम्युनिटी शामिल थी उन्हें मारा गया। सबसे ज्यादा यहूदियों का कत्लेआम हुआ। मुसलमानों को भी मारा गया। इसके बाद 12वीं सदी में मामलुक पीरियड और फिर उस्मानिया साम्राज्य में भी यहूदियों की हालत अच्छी नहीं, जिसके कारण इन्होंने रूस में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी इनका नरसंहार हुआ और ईसा मसीह की मृत्यु के साथ चला आ रहा श्राप परछाई बनकर चलता रहा। फिर यहूदियों को पोलैंड और लिथुएनिया में सुरक्षित ठिकाना मिला, पर वो भी लंबे अरसे तक ना रहा, क्योंकि ये भी तो किराए की ही जमीन थी। फिर आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऐसा लगने लगा कि अब यहूदियों को उनके अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि नेपोलियन ने फ्रांस की क्रांति के बाद इन्हें फ्रांस बुलाया। लेकिन जल्द ही वहां भी इनके दुश्मन पैदा हो गए। यहूदियों ने ना तो कभी यीशु को और ना ही कभी हजरत मोहम्मद को पैगंबर का दर्जा दिया, और यही कारण है कि इनको ईसाई और मुसलमानों ने कभी गले नहीं लगाया। अब तक पहले विश्व युद्ध का बिगुल बज चुका था। यहाँ से ब्रिटेन की एंट्री मिडिल ईस्ट में हुई। ब्रिटेन ने यहूदियों को उनका अधिकार दिलाने का वादा किया, बदले में समर्थन मांगा। 1917 में ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसे बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें अंग्रेजों ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन में ज्यूइश नेशनल होम के गठन को सपोर्ट करेगा, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ उस्मानिया साम्राज्य का अंत करने के लिए साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट भी साइन कर दिया। अब फिलिस्तीन पर यूके का कंट्रोल था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक रहा। इस दौरान यहूदियों ने फिलिस्तीन में कई जमीनें खरीदी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का समय यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। करीब 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में मरवा दिया। हिटलर के नरसंहार से बचने के लिए जर्मनी समेत यूरोप के बहुत से हिस्सों से यहूदी अमेरिका पहुंचे। दूसरे विश्वयुद्ध में हिटलर की हार हुई और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दुनिया ने तय किया कि अब यहूदियों को उनका एक देश दे देना चाहिए। इस तरह साल 1948 में उस भूमि का बंटवारा हो गया जहां सबसे पहले यहूदियों ने राज किया था, किंग डेविड और किंग सोलोमन के समय। हां, बाद में वहां रोमन, सिकंदर, बेबलियोन, मुसलमान और ईसाइयों ने भी राज किया।